अब की बार गठबंधन होगा फिर? गठबंधन तो लगभग लगभग तैयारी, एक मीटिंग बाकी है, तो जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। 7500 से अलग और क्या है? देखिए, चौटाला साहब ने 4 वायदे किए हैं। एक खबर ये कि दुष्यंत जी शायद जुलाना से इलेक्शन लड़ सकते हैं, दूसरी खबर ये सुनैना चौटाला भी जुलाना से इलेक्शन लड़ सकते हैं। देखिए, ये हरियाणा प्रदेश है, इसमें पार्टी के जो सुप्रीमो है वो डिसाइड करते हैं। रूमर था या आपकी पार्टी का बयान था कि कांग्रेस के साथ कुछ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ये सिर्फ रूमर था या आप चाहते हैं कि भाई हमने कुछ ना कुछ तो करना ही है? अगर सेंटर से कांग्रेस चाहती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जनता के हित में हम अपना स्वार्थ छोड़ सकते हैं, जनता के हित में जो भी सही कदम हो, जो जनता का फैसला हो, वो फैसला अपना सकते हैं। तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेएसआर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज इंटरव्यू है 125 दिन और लगभग 2300 किलोमीटर पैदल चलने वाली पार्टी INLD हमारे साथ हैं सुनैना चौटाला जी। बहन जी नमस्कार। राम राम। और ठीक है जगदीप? एकदम बढ़िया बहन जी, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। 2300 किलोमीटर चल चुके हैं आप? बिल्कुल। और 2300 किलोमीटर में जहाँ तक मैंने सुना है राहुल गांधी से भी ज़्यादा आप चल चुके हैं। बिल्कुल, अब 2300 किलोमीटर अगर राहुल गांधी जी ने उससे कम किए हैं तो ज़्यादा चल चुके। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि 2000 और 2200 के लगभग और चलना है? 2000 और चलना है, 4300 किलोमीटर की तो टोटल ये जो है परिवर्तन यात्रा है जी। और 7 महीने की है। 7 महीने। हाँ, तो और 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र में इसका समापन होगा और हरियाणा का नया आगाज़ होगा। 25 सितंबर 25 सितंबर कुरुक्षेत्र। ओके, तो इस परिवर्तन यात्रा में परिवर्तन कितना है? लगभग जहाँ पे भी यात्रा गई है वो परिवर्तन हो चुका है। मतलब जहाँ आप जाओगे पीछे से लोगों से जो रिव्यू आ रहे हैं वो इस बात को लेके हैं कि अभय सिंह जी चौटाला का पहले ये था कि इंटरेक्ट कम था लोगों से। हमारा मोटिव ये था कि हम गांव के, शहर के, कस्बे के लोगों से मिले ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो कि हमारा मोटिव पूरा हुआ है इस यात्रा से, और आगे जितने भी और कस्बों में, गाँव में जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो एक देखने को मिली, जो लोगों का असल मायने में दर्द, जो तकलीफ़ जो है वो हमें जानने को मिला, और इससे बहुत बड़ा एक बदलाव आएगा। यानी कि परिवर्तन नाम है तो परिवर्तन होके रहेगा, परिवर्तन होके रहेगा। मैं वैसे वीडियो मैंने आपकी देखी है, खेत में कोई महिला काम कर रही है, कोई आप उनसे पूछ रहे हो कि भाई अब की बार 7500 पेंशन करांगे हम। बिल्कुल, ये जो जो वायदे पार्टी के हैं, जो चौटाला साहब ने जब श्रृंगार गाँव से यात्रा को झंडी दिखाई थी वहाँ पे ये वायदे किए थे कि हरियाणा प्रदेश में जाना, हर गांव में, हर कस्बे में एक बात ज़रूर कहना कि आप अपना राज लेके आओ, आज जिस चीज़ से आप लोग परेशान हो हम उस हर परेशानी को दूर करेंगे। जो मूलभूत, जो हमारी मेन, जो हमारे सामने समस्याएं जो थी, सबसे बड़ी बात ये थी कि आज बुज़ुर्गों की पेंशन कट रही है। आज ये एक ऐलान कर दिया मुख्यमंत्री जी ने कि जिस घर में 2 भैयावान होंगे उस बुज़ुर्ग की पेंशन को काटा जाएगा। जिस घर के बिजली का बिल 10,000 रुपये सालाना होगा, सालाना 10,000 रुपये बिजली का बिल होगा, तो उस की भी पेंशन कट जाएगी। कुल मिला के तैयारी है हर एक की पेंशन काटने की, जबकि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने ना किसी की इनकम के आधार पे पेंशन नहीं, एक बुज़ुर्ग को सम्मान दिया था, 100 रुपये से इस पेंशन को शुरू किया था। देवीलाल जी से बात शुरू है, आप भी देवीलाल जी का नाम ले रहे हैं, आदित्य चौटाला जी भी देवीलाल जी का नाम लेते हैं, दुष्यंत जी भी देवीलाल जी, सभी देवीलाल 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 की असली पार्टी कौन सी है, क्या मान के चले, किसको देवीलाल का हम ये माने भाई असली में तो देवीलाल वो है उसको वोट देनी चाहिए? देखिए, चौधरी देवीलाल कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये एक विचारधारा का नाम है। जिसकी विचारधारा उस विचारधारा से मेल खाती है, जो चौधरी देवीलाल जी की थी, वही असली पार्टी है। अगर आप आदित्य देवीलाल जी का नाम लेते हैं जी, तो आप देखिए कि आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जब से हाथ मिलाया है, किसान की कितनी अनदेखी हुई, उन्होंने 3 काले कानून जो थे उनके लिए क्या बयान दिया कि राबड़ी पी के सो जाओ आंदोलन, ये जो काले कानून वापस नहीं होंगे। वहीं आप दुष्यंत चौटाला जी की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा कि जो कानून बन जाते वो वापस नहीं होते। उसमें अगर मैं चौधरी अभय सिंह जी चौटाला का आपको एक एग्जांपल दूं, ये वो शख्स थे जिनके पास एक सीट थी, पूरे हिंदुस्तान में किसानी के पक्ष में इस्तीफा दिया, और एक सीट होते हुए भी, जब थाली में एक रोटी है और दूसरे खुद को बहुत ज़ोर से भूख लगी है उसको दान करने का काम
देवलाल कर सकते थे या बैसिंह जी चौटाला ने किया। तो सही मायने में अब आंकलन जनता करेगी, सही मायने में कौन हुआ चौधरी देवलाल जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला? अभय सिंह जी चौटाला। तो इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवलाल की असली पार्टी। मैं जी मैं दिग्विजय जी की वीडियो देखने लग रहा था, उसमें कौन थे कब ये इनेलो अभी बिल्कुल डाउन पे है और इतनी बेसुध हो चुकी है कि कभी कांग्रेस में जाने की बात करती है, कभी कांग्रेस की बुराई करती है, कभी कहीं जाने की बात करती है, खुद की पार्टी नहीं संभल रही है। आपकी प्रतिक्रिया? इंडियन नेशनल लोकदल आज भी हर उस पार्टी से ताकतवर है जो ये लोग दम भरते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने अगर कांग्रेस की बात की तो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने 87 में एक मोर्चा खड़ा किया था, जो कांग्रेस उस समय उनके खिलाफ एक मंच के ऊपर विपक्ष आया था। वही सिनेरियो आज चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने एक स्टेज के ऊपर विपक्ष को लाने की कोशिश की, जो फतेहाबाद की रैली जिसका एग्जाम्पल है। आज भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं कहूँगी सुध तो वो भूल चुके हैं जो नाम लेते हैं चौधरी देवीलाल जी का, और एक भी अगर उन्होंने अपना वायदा जनता के बीच जो किया वो पूरा किया हो तो वो ये कह दे कि हम चौधरी देवीलाल जी के विचारधारा पे चलते। चौधरी देवीलाल जी वो शख्सियत थे जिन्होंने अपनी ज़ुबान से वायदा किया तो उसको पूरा किया, चाहे वो राजगद्दी क्यों ना हो। आज तक दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ गद्दी के लिए हुआ, हर जगह युद्ध होता है गद्दी के लिए होता है। चौधरी देवीलाल जी वो शख्सियत थे दुनिया में जिन्होंने अपनी गद्दी दूसरे को दे दान किया। राज को दान करना केवल चौधरी देवीलाल कर सकते, ये तो राज के साथ चिपके बैठे हैं। चाहे जनता मरे बाढ़ में जाए, चाहे किसानों के सिर फूटे, चाहे जो किसानों की जो एक दम भरते हम किसान नेता हैं तो वो लोग किसानों के ही नहीं हैं। तो उनकी बात का जवाब देने से बेहतर मैं यही कहूँगी 2024 में ये हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात का जवाब देगी। मतलब दो बातें हैं, आप तो कह रहे हैं 2024 में जनता जवाब देगी जी। दूसरी बात यह है, ये खबर भी चली है, रूमर था या आपकी पार्टी का बयान था कि कांग्रेस के साथ कुछ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ये सिर्फ रूमर था या आप चाहते हैं कि भाई हमने कुछ ना कुछ तो करना ही है? देखिए जब विपक्ष एक होना चाहता है जी, अगर विचारधारा चौधरी देवीलाल जी को अपनाना चाहता है जी, ये विचारधारा भी चौधरी देवीलाल की थी ना, भी जो विपक्ष को एक मंच पे लाना जी, अगर सेंटर से कांग्रेस चाहती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जनता के हित में हम अपना स्वार्थ छोड़ सकते हैं, जनता के हित में जो भी सही कदम हो, जो जनता का फैसला हो, वो फैसला अपना सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या मैसेज आया फिर, जब आप गठबंधन की बात करते हैं कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस आप देखें जब सब इकट्ठे हुए हैं तो राहुल गांधी जी भी वहां पहुंचे थे, उन्होंने भी अपनी सहमति जाहिर की है। केजरीवाल साहब हैं, सब पहुंचे थे, सबने अपनी सहमति की। तो अब की बार गठबंधन होगा फिर? गठबंधन तो लगभग लगभग तैयारी, एक मीटिंग बाकी है तो जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो आप जहाँ जा रहे हैं मैं आपको क्लियर बता दूं, आप एक व्यक्ति विशेष का बयान जो आया था उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये किसी की बपोती नहीं है। कांग्रेस जो है एक नेशनल पार्टी है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ से अगर वहाँ पे अलायंस होता है तो हम ज़रूर करेंगे। कई बार मैसेज ये भी चलता भी आज इनेलो कांग्रेस की तरफ जाने की सोच रही है, कांग्रेस जी कांग्रेस सरकार ने ही ओम प्रकाश चौटाला जी को अंदर डाला था और आज उन्हीं के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? आप फिर वही मैं बात कहूँगी, व्यक्ति विशेष भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, ये एक स्टेट की बात कर रहे हो आप, हरियाणा प्रदेश की आप बात कर रहे हो आप, ये जो स्टेट में जो जितना भी ये हुआ, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने स्वार्थ के वशीभूत होके चौटाला साहब के ऊपर ये सारी चीज़ें करवाई, क्यों? क्योंकि उस टाइम वो रूलिंग उसमें थे पार्टी में। आज तक दुनिया में ये पहला केस है जिस केस में शिकायतकर्ता को सजाए, एक पहला ऐसा केस है जिस केस में जिसके लिए केस हुआ, जिन जो अध्यापक है जिनके लिए केस हुआ, उन अध्यापकों की सुप्रीम कोर्ट ये कह के तरक्की कराता है कि ये भर्तियां सही हैं। जब भर्तियां सही है, शिकायतकर्ता की शिकायत गलत है, चौटाला साहब ने 10 साल सिर्फ इसलिए कि मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जो पगड़ी मुझे दी है मैं इस पगड़ी को किसी के कदमों में नहीं रखूंगा। बीजेपी वालों के ऑफर आते थे अभय सिंह जी चौटाला से, आप खुल के पूछना कि आप आओ आपको हम राहत देंगे और चौटाला साहब को हमारे पास ले आओ, चौटाला साहब ने कहा मैंने कोई गुनाह नहीं किया है,
मैं परमात्मा की नज़र में, अपनी नज़र में, जिन लोगों को मैंने सर्विस दी उनकी नज़र में मैं गुनहगार नहीं हूँ, तो इसका मतलब मैं गुनहगार नहीं हूँ। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था जो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एंड पार्टी के द्वारा रचा गया था। फिर आप उन्हीं के साथ जाना चाह रहे हैं? हम उनके साथ नहीं जा रहे हैं। आप फिर वहाँ आप हम कांग्रेस पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यही आप गलती करते हो। कुमारी शैलजा है, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला जी, और जो जो ये आप कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, ये तो दो ही आदमियों की पार्टी है। अपना खुद का बेटे को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो कि इस बार नहीं होगा। आपने पंजाब में जो इतिहास देखा है ना, जब कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जब कोई अपना आधिपत्य हद से ज़्यादा बनाने की कोशिश करता है तो उसको वो सबक सिखाने का काम करते हैं। इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मतलब कांग्रेस नहीं है, कदापि नहीं है। आपने जो उनके प्रभारी, उनका बयान भी सुना होगा, ये किसी की बपोती नहीं है। कांग्रेस के नारे लगने चाहिए, भूपेंद्र हुड्डा के नारे नहीं लगने चाहिए। अच्छा, बात आती है कांग्रेस की तरफ से, अगर आज जजपा कोलेब्रेशन तोड़ती है और बात हो इकट्ठे होने की, क्योंकि आम जनता जो इनेलो के समर्थक है वो चाहते हैं भाई जजपा आ जाए, तो क्या आप स्वागत करोगे या उनके साथ बिल्कुल इकट्ठे? देखिए, जनता नहीं चाहती है। हमने एक बात आपसे कही कि इन्होंने अपना विश्वास खो दिया, वो इसलिए कि जो वोट आए थे, जेजेपी पार्टी बनी और अगर 10 सीटें आई तो जो वोट थे वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध के थे। ये आपको भी पता है, पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है। आज का नारा वहीं से ही चला, वहीं से चला था जब ना पार करके आएंगे, लेकिन वो उसी की गोद में जब जाके बैठ गए वहीं से उनका खात्मा शुरू हो चुका है। और दुष्यंत और पार्टी जो भी जेजेपी है, इस आज आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा दोषी इस पार्टी को हरियाणा प्रदेश की जनता मानती है। इसलिए जहाँ जनता खुश नहीं है वहाँ इंडियन नेशनल लोकदल कभी नहीं जा सकती। अभी आपका भी जुलाना दौरा है, अभय सिंह जी भी जुलाना दौरा करेंगे और उधर से दुष्यंत जी भी अपनी रैली करके गए हैं। खबरें दो आई हैं, एक खबर ये कि दुष्यंत जी शायद जुलाना से इलेक्शन लड़ सकते हैं, दूसरी खबर ये सुनैना चौटाला भी जुलाना से इलेक्शन लड़ सकते हैं। देखिए, ये हरियाणा प्रदेश है, इसमें पार्टी के जो सुप्रीमो है वो डिसाइड करते हैं। दुष्यंत चौटाला खुद है अपनी पार्टी के, अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो वो लड़ सकते हैं, लोकतंत्र है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। लेकिन नुमाइंदे को जिताना या हराना वो जुलाना की जनता के हाथ में है। और जुलाना की जनता, आज आपने देखा होगा उनकी रैली से पहले उनकी खुद की पार्टी के पदाधिकारी छोड़ के जा चुके हैं। आप जो जब खेत है उसकी जो बाढ़ ही चली जाए तो उस खेत की कोई रखवाली नहीं कर सकता। वो जो छोड़ के गए हैं, मैं कई बार खबर सुनता हूँ कांग्रेस के छोड़ गए, भाजपा के छोड़ गए और जेजेपी के छोड़ गए, लेकिन ये नहीं खबर आती कभी वो इनेलो में शामिल होगी। आप वो उसमें आप चले गए, आप उसमें चले आप हमारे नहीं, आप हमारा जो पूरा जो है जो यात्रा का है आप उसमें देखें, अनेक जो है जेजेपी के, लगभग अनेक नहीं, लगभग सारी जेजेपी जिस जिस जगह यात्रा गई है आ चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बहुत सारे जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे साथ आए, कांग्रेस के भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, आप चाहे कहेंगे तो मैं आपको लिस्ट भी भिजवा दूंगी हर गांव से। कलायत का सर्वे किया बंजी। ओके, कलायत में 3 व्यक्ति हैं, कमलेश डांडा जी हैं, जेपी साहब हैं, रामपाल माजरा जी हैं। सर्वे में ये निकल गया रामपाल माजरा मजबूत इंसान है, रामपाल माजरा वो शख्स है जो रीढ़ की हड्डी होते थे इनेलो के, लेकिन आज वो खबर ही आती कि कभी कांग्रेस से चले जाएं, कांग्रेस में चले जाएं। तो क्या अभय सिंह जी की तरफ से कोशिश है कि रामपाल माजरा जी को हम दोबारा पकड़ लें और जीते वहाँ से इलेक्शन, क्लास से इलेक्शन लड़वा? देखिए, हम रामपाल माजरा जी का सम्मान करते हैं और डिसीजन तो उनको लेना है। ये सवाल आप उनसे पूछें तो ज़्यादा बेहतर है कि आपके मंशा क्या है। हमारे लिए वो आदरणीय है और उनका हमेशा स्वागत। आप चाहते हैं कि वो आए? इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखना चाहती है, कभी भी घटता हुआ नहीं देखना चाहती। जी, तो अब आपकी तरफ से बताएं, आपने दुष्यंत जी का बता दिया वहां से इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, आपका क्या है कि आप जुलाना से इलेक्शन लड़ेंगे? खबरें ये भी हैं। देखिए, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जहां से आदेश कर, नहीं 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 ऐसा कौन है? चौटाला साहब हैं, ओम प्रकाश जी चौटाला हमारे बड़े हैं, वो जहां आदेश करेंगे हम वहां जाने को तैयार हैं, क्योंकि एक सिपाही हैं हम, ठीक है। और सिपाही इस चीज़ के लिए हमेशा इंतजार में रहता है कि कब उसको बॉर्डर से बुलावा आए, कब उसको युद्ध लड़ने का हुक्म हो, तो हम उस चीज़ के लिए हमेशा रेडी हैं, जब हुक्म करेंगे तब हम तैयार हैं। तो मैनिफेस्टो में 7500 से अलग और क्या है? देखिए, चौटाला साहब ने 4 वायदे किए हैं। पहला तो ये, जो लोग
परेशान कर रहे हैं। एक 1100 रुपए की इन्होंने निकाल रखा है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराओ और 1100 रुपए सरकार को दो। पहली बात तो ये है कि पैन कार्ड किसान का या मजदूर का बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो कोई टैक्स नहीं पे करता, लेकिन सिर्फ लूट है। इस लूट के पैसे को वापस करेंगे सरकार बनते ही 1100 रुपए हर आदमी को वापस किए जाएंगे, क्योंकि ये अननेसेसरी बिल्कुल उनके साथ जाती है। जो ये पोर्टल बना रखे हैं, अभी भी एक खाद के लिए भी पोर्टल बना दिया, बुज़ुर्गों की पेंशन के लिए पोर्टल, पोर्टल बंद पड़े रहते हैं, इन पोर्टल्स का सफाया करेंगे। एक राशन कार्ड जनता को सहूलियत देंगे, आसान तरीका देंगे। हरियाणा प्रदेश की जनता भोली भाली है, ये इतने पोर्टल और ये नहीं जानती, ये आरएसएस वाले ही जानते हैं। तो इसका एक जो राशन कार्ड जो था उसके ऊपर ही सारी सुविधाएँ उनको मिलेंगी। दूसरा 7500 रुपये बुज़ुर्गों की पेंशन को किया जाएगा, क्योंकि एक वायदा 5000 का करके आई थी जेजेपी, जो उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया, लेकिन ये इंडियन नेशनल लोकदल का वायदा है। ये फ़र्क जो आप कह रहे हो जो देवीलाल की नीति का, ये तभी लोगों को पता चलेगा जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी, पहले महीने में पहली कलम से 7500 रुपये बुज़ुर्गों की पेंशन लागू कर दी जाएगी। ऐसा क्या धमाका करोगे इन बातों से अलग कि इन्हें लो एक सीट से, कभी 87 में 85 सीट होती थी, आज 2023 में एक ही सीट है, ऐसा क्या धमाका करोगे कम से कम 45 सीट तो आ जाए? 87 का इतिहास दोहराया जाएगा, 85 सीटें आएंगी। एक बुज़ुर्ग पेंशन, बुज़ुर्ग लोकदल जो है इस बात के लिए वचनबद्ध है कि जब भी सत्ता में आई जी, तो लोगों के लिए जन कल्याण की नीति बनाई। सत्ता से बाहर है तो 89 पे एक ही बारी है अभय सिंह चौटाला। सत्ता से बाहर होते भी अगर लोगों की लड़ाई कोई लड़ रहा है, विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा है, तो वो अभय सिंह चौटाला है। तो जब सत्ता में रह के हम जन कल्याण की नीति बनाते हैं, बाहर हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं, तो जनता इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही है। आज मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ, मैं आपको खुल के बताऊँगी, एक लफ्ज़ भी मेरा आप चाहे सर्वे करके आओ, लोग ये कहते हैं, नौजवान बच्चे कहते हैं कि इस शेर को हम सामने सामने देखने आए हैं, जो कि विधानसभा में गरजता है। तो जो बुढ़ापा पेंशन की मैंने बात की, दूसरा एक जो सबसे बड़ा वायदा है वो महिला शक्ति को इस महंगाई से राहत दिलाने का है। जो महिला शक्ति है, हर चूल्हे को एक गैस का सिलेंडर और 1100 रुपए उनको एक पेंशन के तौर पे मान लो, या उनकी सहायता के तौर पे मान लो, हर चूल्हे को ये देने का वायदा इंडियन नेशनल लोकदल ने किया है। नौजवान बच्चों को हर घर में, जो बच्चा पढ़ा लिखा हो, हर घर में एक बच्चे को रोज़गार सरकार की तरफ से दिया जाएगा, और जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा उसको 21000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देने का काम करेंगे। 21000 रुपये, 21000 रुपये चौटाला साहब का जब राज था। फंड आएगा कहाँ से? मैं बताती हूँ आपको, इसका भी मैं बताती हूँ। चौटाला साहब का जब राज था जी, तो हरियाणा प्रदेश का बजट था 21000 करोड़ का जी। उसमें चौटाला साहब हर गांव में, आज इतिहास में अगर कोई ये बात लिखी जाती है ना, गांव वालों ने, पंचायत ने पैसे तक वापस किए, भी हमारे गांव का हमने विकास करा लिया, पैसे बच जाते थे। हर गांव में विकास के लिए पैसे दिए सरपंचों को, सरकार आपके द्वार के तहत हर युवा को जो 11000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देने का काम भी उन्होंने किया था। 21000 करोड़ की बात करी उसमें से, बुढ़ापा पेंशन भी उस दौरान उन्होंने बढ़ा के दी थी। आज हरियाणा प्रदेश का बजट है 1,85,000 करोड़। तो आप स्वयं सोचें, अगर मंशा हो और अगर जनता के लिए कुछ करना हो, तो ये रकम कोई कम नहीं है, और आगे ये बजट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जगदीप। तो भाई ये पीछे आप एक घर देखने लग रहे हो, मैं इस टाइम बिशनपुरा गांव जींद का पहला ही गांव है, यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे खाने का कार्यक्रम था बहन जी का, और वो खाना खाने लग रही थी। फिलहाल यह वीडियो इतनी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में रह दे, तब तक ले देने बाद जिंद भारत माता की जय। थैंक यू।